नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क। बदलते वक्त का आईना, मैं हूं देशराज यादव। वक्त तो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। बैरोड क्षेत्र के कायसा गांव में भाजपा नेता एवं पूर्व जिला उपाध्यक्ष महेंद्र यादव ने भाजपा सदस्यता अभियान एवं जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने महेंद्र यादव का फूलमाला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। वहीं इस दौरान पहुंचे ग्रामीणों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। स्थानीय लोगों में महेंद्र यादव के प्रति प्यार भरपूर देखने को मिला। लोगों ने फूलमाला एवं साफा पहनाकर ढोल नगाड़े से महेंद्र यादव का स्वागत किया। साथ ही महेंद्र यादव के साथ विस्तारक बाबूलाल शर्मा का भी स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। महेंद्र यादव ने बैरोड विधानसभा में बढ़ रहे अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि आज का युवा नशे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, जो समाज के लिए एक चिंता का विषय है, और इसके जिम्मेदार हैं स्थानीय नेता, जो नशे के कारोबार में युवाओं के भविष्य को धकेल रहे हैं। वहीं कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी लोगों को विस्तार से बताया। वहीं लोगों ने तालियां बजाकर महेंद्र यादव का अभिनंदन कर स्वागत किया और हाथ खड़े कर समर्थन दिया। इस दौरान धर्मवीर यादव, बाबूलाल यादव सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी कोई सामान्य पार्टी नहीं है, ये बहुत ही सुदृढ़ मजबूत विचारधारा की पार्टी है। ये ऐसी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जिसका पूरे विश्व के अंदर नाम है। आज भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी है, और उसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उस भारतीय जनता पार्टी के आप सब कार्यकर्ता हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। पूरे विश्व के अंदर भारत को विश्व के पटल पर नंबर वन पर लाकर खड़ा करने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आपको अच्छी तरह पता है, पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो कोई विदेशों के अंदर इतना सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं विदेश के अंदर तो लोग सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और मोदी जी के गुणगान करते हैं। इस तरह के हमारे प्रधानमंत्री हैं, और हमारे देश के अंदर जिस तरह की कल्याणकारी योजनाएं इन्होंने शुरू की है वो एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत करती है। प्रधानमंत्री जी ने, जैसा कि हमारे बाबूलाल जी ने बताया, कि किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में साल में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसी तरीके से घर घर पानी पहुंचाने का जल जीवन मिशन का कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू करके हर घर में पानी पहुंचाने का काम किया है। आयुष्मान भारत योजना जिसके तहत गांव के गरीब मजदूर व्यक्ति जो अपना इलाज कराने में असमर्थ थे उनको 5 लाख तक का इलाज करने की मुफ्त सेवा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। जिस व्यक्ति का चरित्र नहीं है, जिस व्यक्ति का व्यवहार सही नहीं है, उस आदमी को भैरव में रहने का अधिकार नहीं है, नेता बनने का अधिकार नहीं है। इस तरह का वातावरण बन रहा भैरव के अंदर, और मैं कहता हूं कि आज भैरव की स्थिति को देखकर, और मैं साफ कहता हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मेरे बाप दादा नेता नहीं हुए, लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता की ऐसे ऐसे जनता के बीच में काम करता हूं। मेरा संकल्प है, एक गुंडागिर्दी कर रहे हैं ना, मैं कहता हूं मैं गुंडा नहीं हूं, लेकिन मैं गुंडागिर्दी और गुंडों के खिलाफ लड़ने में सक्षम हूं। मैं गुंडा नहीं हूं, लेकिन गुंडागिर्दी और गुंडों के खिलाफ लड़ने में मैं सक्षम हूं। मैं भ्रष्ट नहीं हूं, लेकिन भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ लड़ने में मैं सक्षम हूं। मैं किसी भी रूप में कमजोर नहीं हूं, मेरा संकल्प है इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का। मैं विकास पुरुष नहीं हूं, लेकिन मैं विकास का काम करना चाहता हूं भैरव के अंदर, ये मेरा संकल्प है। भैरव के अंदर विकास को करवाना मैं समझता हूं, ये मेरा संकल्प है। और मैं कहता हूं, देखिए, राजनीति के अंदर व्यक्ति की पहचान करो, व्यक्ति के आचरण को पहचानो, और व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? सब बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं मंच पर आकर के ना, चाहे बलजीत रावत जी, जसवंत जी, रावत जी और कोई हो, और उसमें चाहे मैं ही हो, लेकिन पहचान भाषणों से नहीं होती है व्यक्ति की। व्यक्ति की पहचान होती है उसके आचरण से, उसके चरित्र से, उसके व्यवहार से, उसके कर्मों से, उसके संस्कार से होती है। बोलो, होती है कि नहीं होती है? आज मेरे भाषणों में नहीं आ सकते, क्यों? मेरे बारे में पता है आपको, 25 साल से आप लोगों के बीच में रहकर अग्नि परीक्षा दी है मैंने। और देखिए, सन 2000 के अंदर मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था पहला, और 4 नंबर वार्ड से लड़ा था, निर्दलीय लड़ा था। जसवंत जी उस समय
एमपी थे, करण सिंह जी एमएलए थे, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था और चार नंबर से चुनाव लड़ा। मेरा खुद का वोट नहीं था, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। इन्होंने अपने अपने कैंडिडेट खड़े कर रखे थे, लेकिन जनता ने दोनों नेताओं को शिकस्त देकर मुझे 1500 वोटों से विजयी बनाया। चार नंबर वार्ड की जनता ने, यह मेरे वार्ड नंबर का पहला चुनाव था। अब देखिए होता क्या है, जिला परिषद की 49 सीट में 24 कांग्रेस की आई, 24 बीजेपी की आई। और अब जिला प्रमुख कौन बनाएगा? निर्दलीय, मैं ही तो बचा। देखिए सबकी नहीं कहता, अमूमन जिला पार्षद और डेलीगेट भेड़ बकरी की तरह से बिकते हमने देखा है और बिकते हैं। लेकिन आपके इस भाई ने, उस बेटे ने, भगवान को साक्षी मानकर कहता हूं, अलवर की पंचायत के अंदर छाती टोक के कहा था कि मुझे खरीदने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ, ना कोई जन्म लेगा आगे, कोई पैदा भी नहीं होगा। ये है आदमी के, ये व्यक्ति के आचरण और संस्कार की पहचान है। आज तो मैं मैच्योर हूँ, उस समय तो मेरे अंदर लड़कपन था। अगर मेरी नीयत खराब होती, मेरे बुजुर्गों ने मुझे गलत संस्कार दिए होते, तो मैं 10 करोड़ 5 करोड़ गिना लेता कि नहीं गिना लेता। आपके वार्ड से भी जीता, आप लोगों ने भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया, और जो बड़े बड़े नेता मेरा विरोध करते थे उसको भी आपने मतलब बाहर का रास्ता बताया, मेरे को जिताया। कि मैं बड़े बड़े नेता और आताताइयों का शिकार हुआ हूं मैं, मेरा हर बार टिकट फाइनल होता है लेकिन मेरे को आखिरी में मारा जाता है। आपके प्यार और आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है। पिछली बार 2018 में मेरा टिकट तय कर दिया था भैरव से, लेकिन अंतिम समय में किसी चक्करों से मेरा टिकट कट गया। इसके साथ कहता हूँ, अब की बार टिकट 100% सर्वे के आधार पर मिलेगी। किसी से 100 करोड़ रुपए भी कोई देगा तो टिकट नहीं मिलेगी। तो आपके प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से मुझे टिकट मिलेगा। लेकिन ये बताओ, मैं आपके गले उतर रहा हूँ सबके, ये तो बता दो एक बार, होना चाहिए एक मुश्त होना चाहिए। देखिए मेरे हाथ के अंदर मान लो एक छोटी सी तिल की मुट्ठी है, और तिल की मुट्ठी में एक आदमी को दे दूं, जो खा लो तो खाले का पेट भर जाएगा। और मैं कह दूं सबको राजी करो, मैं उठा ले यूं फेंक दिया, खा लो सब, किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से आशीर्वाद एक को दो, मजबूती के साथ में दो। और मैं गांव की चौपाल के अंदर कहता हूँ, एक एक चौपाल में गया हूँ और डंके की चोट कहता हूँ, अगर महेंद्र सिंह के अंदर कोई सूट का इतना भी कोई दाग और कमी साबित कर दे, तो यही बैठा कर सब लोग मुझे सजा दे दे, कड़ी से कड़ी में सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। और सजा भुगतने अपने घर चला जाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। बहरोड विधानसभा के लोगों के मान सम्मान एवं चहुमुखी विकास के उद्देश्य से आपके बीच भाजपा युवा नेता मोहित यादव, संकल्प बहरोड के हित का, युवाओं की पसंद जन जन का प्रेमी, आपका एक फैसला बदल सकता है बहरोड का भविष्य। भाजपा नेता मोहित यादव ने डॉक्टर जसवंत यादव, पूर्व मंत्री, भाजपा के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ बहरोड विधानसभा क्षेत्र के रिवाली, गुगड़िया, माजरी खुर्द सहित दर्जन भर गाँव में चौपाल पर जनसंवाद किया। बातचीत के दौरान किसानों ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। ग्रामीणों का कहना है कि कांग्रेस मोबाइल तो बांट रही है, लेकिन मोबाइल बांटने के नाम का एक ढोंग मात कर रही है, क्योंकि हमारे फसल खराबे का मुआवजा देने की अभी सरकार सोच भी नहीं रही। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बिजली पानी की समस्याओं से भी अवगत करवाया, जिस पर मोहित यादव ने भाजपा को विजय दिलाने की बात कही और बताया कि भाजपा के राज में भरपूर विकास कार्य एवं तमाम समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मोहित यादव ने सभी को केंद्र सरकार की उपलब्धियों से अवगत करवाया और भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान मोहित यादव के साथ रामोतार यादव, रामनरेश यादव जिला पार्षद प्रतिनिधि, सुनील माजरी मंडल अध्यक्ष, नीरज यादव, संदीप मुन्ना, डॉक्टर जगत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। तो आपके समक्ष मैंने अपने 5 सालों के अंदर पूर्ण उपस्थिति दर्शाई। जो काम विपक्षी भूमिका निभा सकता था वो विपक्षी भूमिका निभाई। अब आपके शहर बहरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बहरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहाँ पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एवं हेल्थ पॉलिसी, LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। मंगलम रामबाग भैरव रोड नीमराना की बीड़ा द्वारा अनुमोदित सबसे भव्य एवं सर्व सुविधा युक्त
विकसित आवासीय योजना। आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सुविधा जैसे चौड़ी सड़कें 30, 40 एवं 60 फीट की, बड़े खूबसूरत पार्क, भूमिगत विद्युतीकरण, आवासीय क्लब हाउस जिनमें है स्विमिंग पूल, जिमनेजियम, इंडोर गेम्स इत्यादि। सभी प्रमुख बैंकों से लोन सुविधा के साथ आज ही संपर्क करें इंद्रजीत यादव दुगेड़ा वाले मनोज शर्मा, जहां आपके स्वतंत्र घर, प्लॉट एवं दुकान का सपना साकार होगा। मंगलम रामबाग में। आज के बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताजतरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।